गया कोविड-19 अस्पताल गया में स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम ANMMCH अस्पताल पहुंचा। अस्पताल सुपरिटेंडेंट को दिया कोरोना से बचाव का टिप्स ताकि सभी मरीजों को बचाया जा सके। बिहार के गया में फैल रहे तेजी से कोरोना संक्रमित के लक्षण को देखते हुए केंद्रीय टीम गंभीरता से लेते हुए गया के मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निरीक्षण किया। निरीक्षण में जो भी कमियां पाई गई उसे जल्द दुरुस्त करने का अस्पताल अधीक्षक को सुझाव दिया। ANMMCH प्रचार्ज डॉक्टर PK अग्रवाल ने बताया कि बीते कुछ दिनों में कोरोना तेजी से बढ़ा है। बचाव हेतु समय रहते बेहतर ढंग से कैसे इलाज किया जाए जिससे हमारे जो भी मरीज है उन्हें बचाया जा सके, क्योंकि हमारे पास अभी से मरीजों को बचाने के लिए अधिक समय है। इसलिए हम अभी से ही बेहतर इलाज करने के लिए सचेत हैं ताकि हम सभी मरीजों को बचा सके। इसके साथ ही अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर हरीश चंद्र हरि ने बताया कि जो गंभीर मरीज है उसे विशेष रूप से सचेत होकर उसका इलाज करते हैं। कोरोना वायरस गंभीर बीमारी पहचान के लिए 3 लेयर में पाया जाता है, L1, L2, L3। जो कोरोना वायरस गंभीर बीमारी है उसमें L3 लक्षण पाया जाता है। जो मरीज को पुराने बीमारी का रिकॉर्ड देखकर हमारे एक्सपर्ट टीम जूनियर सीनियर सभी लोग मिलकर उस बीमारी से जुड़े इलाज करते हैं। अभी गया NMMCH में L3 पर 9 मरीज है जो कि गंभीर हालत में है, जिनका इलाज हमारी टीम कर रहा है। कैसे हम ठीक करें, विगत आने वाला समय में बृहत रूप लेने वाला है, ये उनका एक सोच है या उनका एक कैलकुलेशन है। इसीलिए हम लोग के पास समय मिला है कि अभी से आप ट्रीटमेंट के प्रति सचेत हो जाएं, कोरोना आगे नहीं फैले, इसके लिए मेरे पास समय है और हमें इसका उपयोग करना है। हर पेशेंट को देखना है, अच्छा से देखना है, उसको एनालिसिस करना है, उसको ट्रीटमेंट करके कोशिश करना है कि पेशेंट को ठीक कर दें। सर, आपके यहाँ से क्या बातें बताएगी, जो व्यवस्था यहाँ पर है उसको लेकर? यही जो व्यवस्था है वो बताया हमने कि पेशेंट आता है, उसका हमने फ्लू कॉर्नर में उसका क्या कहते हैं ये व्यवस्था रूपी बताया गया उनको कि यहाँ पर पेशेंट कैसे रिसीव किया जाता है। कोरोना फ्लू काउंटर पर वहाँ पर एग्जामिनेशन के बाद, जाँच के बाद जो अर्जेंट पेशेंट होते हैं उनको वहीं पर ट्रायल्स एरिया में उनका व्यवस्था इलाज होता है। एक बार डिसाइड हो जाता है कि उनकी सीरियसनेस क्या है, उसके आधार पर उनको यहाँ पर L1, L2 या L3 3 लेवल हमारे हैं, वहाँ पर उनका एडमिशन होता है। बीमारी के अनुरूप और उनके पुराने बीमारी के साथ जो तकलीफें हैं उन दोनों को मिलाकर हमारे एक्सपर्ट और हमारे जूनियर सीनियर सभी मिलकर उनके ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं, उसके अनुकूल इलाज उनका चलता है। यही प्रक्रिया अभी हम लोग कर रहे हैं। अभी कितना पेशेंट है सर? अभी तो 50% हमारे भर्ती हैं ना ट्रीटमेंट में, 50% हमारे ट्रीटमेंट में है, जिसमें अभी आपको 9% हमारे L3 पर हैं, यानी सीरियस स्टेट में, जिनको जिसमें 2 व्यक्ति को एक नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर कहते हैं बाईपास। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, गया।